केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर। नामकोम खेलगांव थाने के सीमा पर स्थित स्वर्णरेखा नदी पर मिले एक लड़के की लाश निकालने में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई। दोनों थाने की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। इसका नतीजा हुआ कि लाश देखे जाने के करीब 4 घंटे बाद भी लाश नदी पर ही पड़ी रही। डीसी साहेबगंज के जानकारी के द्वारा 30 मई को जिले में सिर्फ 5 नए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गोड्डा में महागामा अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव के द्वारा अनुमंडल क्षेत्र में घर घर जाकर ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन टीका लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गोड्डा में केंद्र के मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर रविवार को भाजपा की ओर से आयोजित सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रविवार को कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जिले में लगेंगे 2 ऑक्सीजन प्लांट। दुमका जामा में अवैध शराब का गोदाम सील। जामा के जरपुरा गांव में 26 मई को जब्त की गई 80 लाख की शराब। वहीं दुमका के उपायुक्त महोदय गोड्डा के निर्देश अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्री ऋतुराज के नेतृत्व में पोडाया हाट प्रखंड अंतर्गत कोविड-19 के टीकाकरण हेतु मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।